जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे, बहुत सारे जो क्रिएटर्स के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, जब अपने यूट्यूब ऐप को ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला, स्विच टू यूट्यूब डॉट कॉम। एक्चुअली ये आया क्यों, यूट्यूब ऐप को ओपन करते ही आया। देखिए बहुत सारे क्रिएटर्स के यूट्यूब ऐप में ये नहीं दिखा रहा, बस कुछ कुछ जो क्रिएटर्स है उसी के मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे लिखा क्या है, स्विच टू यूट्यूब डॉट कॉम, यानी यूट्यूब ऐप को ओपन की जगह इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप यूट्यूब पे कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इंटरफेस इस तरह का देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे बोल रहा है क्या, दिस वर्जन ऑफ यूट्यूब इज आउट ऑफ डेट एंड नो अपडेट्स आर अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, प्लीज विजिट youtube.com ऑन योर ब्राउजर इन स्टेट। देखिए आप देखिए YouTube ऐप को ओपन करके कुछ नहीं देख पाएंगे, बट ये बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल के जो ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर, गूगल ब्राउजर जो होता है, वहां पे अपना youtube.com लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने YouTube तो चले आएगा। वहां से सारा कुछ आप YouTube पे जो जितने चीज YouTube पे आप देखते होंगे वो सारा चीज आप कर पाएंगे, बट YouTube ऐप ओपन की जगह इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि इस तरह का अगर इंटरफेस आपके भी YouTube ऐप पे आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह कीजिएगा, पूरा डिटेल्स में आप जान पाइएगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में पूरा को पूरा डिटेल्स आपको बता ही दी, अब इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे कीजिएगा, कौन सा वो सेटिंग कीजिएगा जिससे ये प्रॉब्लम आपका हट जाए वो हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको करना है पूरा को पूरा यहां पे बैक हो जाते हैं। देखिए ये पूरा को पूरा हम बैक हो गए, आपको करना है सबसे पहला काम अपना यूट्यूब ऐप जो है उस पर सिर्फ आपको दबा के रखना है, एक दो सेकंड आपको इस तरह दबा के रखना। जैसे आप दबा के रखेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, वीडियो को ध्यान से देखिए आप सब कुछ सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्टली चले जाना ऐप इन्फो पे, ध्यान से देखिए आपको करना है ऐप इन्फो पे जाना। ऐप इन्फो पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ फोर्थ स्टॉप का ऑप्शन आएगा, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कोने में, तो फोर्थ स्टॉप पे आपको करना है क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, इतना कर देने के बाद सिंपली फिर से आपको जाना है स्टोरेज कैसे का, उसके बाद यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे स्टोरेज एंड कैसेज, तो आपको करना इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको फिर यहाँ करना है क्लियर कैसेज, यहाँ देखिए यहाँ डिलीट का जो ऑप्शन है क्लियर कैसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद सेकंड में आपको क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे डिलीट पे कर देना। जैसे इतना कीजिएगा उसके बाद आपको बैक हो जाना, इतना यहाँ पे कर देने के बाद आपको जाना प्ले स्टोर पे। सिंपल चलिए हम अपने यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। चलिए आपको प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे सर्च करना, सर्च करना है यूट्यूब। चलिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं यूट्यूब, YouTube लिख के सर्च करना। जैसे YouTube लिख के सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ देख लेना कि आपके YouTube ऐप के सामने यहाँ अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल पहले आपको करना कि अपडेट पे क्लिक कर देना। जैसे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा ये जो आपका जो YouTube ऐप होगा, अगर अपडेट नहीं होगा तो अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, अपडेट हो जाने के बाद आप अपने YouTube ऐप को ओपन कीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियरली ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा दीजिए मेरा इंस्टॉल हो चुका है, अब यहाँ देखिए ओपन करने का ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे पूरा को पूरा मेरे यूट्यूब ऐप ओपन हो जाएगा। इस तो इतना कर देने के बाद देखिए यहाँ पे तो इंस्टॉल हो रहा है, अब यहाँ पे हम करेंगे ओपन। ओपन हम जैसे करते हैं तो उसके बाद यहाँ एलाओ पे क्लिक कर देते हैं, एलाओ पे पूरा पूरा हो चुका है। उसके बाद देखिए ये मेरा यूट्यूब ऐप इस तरह कुछ मेरा ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप पूरा को पूरा क्लियर समझ गए, तो भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दूसरी वीडियो मिलते, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।